सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जैसा बोओगे वैसा फल पाओगे, दूसरों के आंखों में आंसू दोगे तो दो नेत्र तुम्हारे भी हैं। जीवन में हमेशा ये बात याद रखना, दूसरों का दुख बांटना, दुखी मत करना, सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल मत जलाना। खुद के बचाव के लिए कभी दूसरों पर दोषारोपण कभी न करें, क्योंकि समय के पास सच प्रकट करने का अपना तरीका होता है। किसी और का दुख देखकर यदि आपको भी दर्द होता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। आज का पंचांग 23 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 10:39 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नामक नक्षत्र शाम 7:54 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:54 से 11:30 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:54 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर शाम 7:54 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। तुला राशि 23 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार, आज आप नम्र रहेंगे और दूसरों की स्वार्थ रहित सेवा भी करेंगे। दूसरों को संतुष्ट करने के लिए अपना समय, स्थान, पैसा और यहाँ तक कि अपना भोजन भी लगाएंगे। लोग आपके इसके लिए तारीफ करेंगे लेकिन अपनी सीमाएं निर्धारित करें। अपने बच्चों पर भी ध्यान दें, उन्हें कोई संक्रमण हो सकता है। घर पर रहें और घर का स्वच्छ भोजन करें। अचानक कोई घरेलू परेशानी पैदा हो सकती है जो किसी नौकरी या दुर्घटना के कारण होगी या अस्थायी नुकसान है, क्योंकि जल्दी ही भाग्य आपके साथ होगा। अपने दोस्त या भाई के साथ खाली समय का मजा लें। नेटवर्क के अवसर पैदा होंगे जिससे आप अपने आकर्षण को दिखा सकते हैं। साझेदारी सहयोग और कानूनी मामलों में ना पड़ाओ, साझेदारी सहयोग और कानूनी मामलों में नए पड़ाव, नए मुकाम या दिशा बदलेगी। आज कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। अपने नजदीकी लोग आपसे बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं। दुनिया को आज नजरअंदाज करें, गलतियों को आज नजरअंदाज करें। दांत का दर्द या पेट की तकलीफ आपके लिए आज परेशानी खड़ी कर सकती है, परंतु आराम करने के लिए अच्छे डॉक्टर की सलाह लेने में झिझक ना करें। नया आर्थिक करार अंतिम रूप लेगा और धन आपकी तरफ आएगा। अपने बच्चों को अपने उदार बर्ताव का बेजा फायदा न उठाने दें। किसी से आंखें चार होने की काफी संभावना है। आपके साझेदारी आपकी नई योजनाओं और विचारों का समर्थन करेगी। दूसरों को राजी करने की आपकी प्रतिभा आपको काफी फायदा पहुंचाएगी। नौकरी पे जीवन साथी से अच्छी बातचीत हो सकती है। आप महसूस करेंगे कि आप दोनों में कितना प्यार है। आपके व्यक्तिगत कार्यों पर अधिक ध्यान दें। थोड़ी सी सावधानी लेने से काफी चीजें अपने आप ही सुव्यवस्थित हो जाएगी। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा मौका मिल सकता है। विद्यार्थियों को अनुकूल परिणाम मिलने से सुकून रहेगा। मन में किसी भी प्रकार की जिद न रखते हुए वर्तमान की स्थिति को अपनाना सीखें। आर्थिक पक्ष मजबूत बनाने का मौका मिलेगा। किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध न बिगाड़ते हुए इस बात पर गौर करें। अपने बर्ताव में सुधार लाना जरूरी है लेकिन व्यक्तिगत दायरा भी बरकरार रखना आपके लिए जरूरी होगा। किसी भी व्यक्ति के साथ आर्थिक व्यवहार या कॉन्ट्रैक्ट करते समय फायदे और नुकसान दोनों पर ध्यान देना जरूरी होगा। पार्टनर का ध्यान आपसे अधिक अन्य बातों पर लगा रहने की वजह से मानसिक तकलीफ हो सकती है। पेट संबंधित परेशानी भी आपको हो सकती है। आप ऊर्जा से भरे रहेंगे लेकिन आपको अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाना होगा। यदि आपको किसी काम को लेकर कोई चिंता सता रही है तो वह भी दूर होगी, लेकिन शेयर मार्केट से जुड़े लोग कोई जोखिम उठाने से बचें। नौकरी में कार्यरत लोगों के ऊपर काम का दबाव अधिक रहेगा लेकिन फिर भी वह अपने कामों को समय से पूरा कर लेंगे।
अविवाहित जातकों के लिए आज कोई बेहतर रिश्ता भी हो सकता है। सावधानियां, दिन के दूसरे पक्ष में सावधान रहने की भी जरूरत है। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय नुकसान भी दे सकता है। भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें, कभी कभी आपका अहम और गुस्सा भी आपके कार्य खराब कर देगा। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक संबंधों में गलत फहमियों को लेकर कुछ तकरार आ सकती है। ध्यान रखें कि घर की बातें बाहर ना निकलें। पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएं तथा शॉपिंग करें, इससे पहले कि आप दूसरों से प्यार की अपेक्षा करें। आपको खुद को प्यार करना सीखना होगा। आपको आज यही बात स्पष्ट रूप से सीखनी है। ये समय आपके लिए अपने मन की आवाज सुनने और खुद को वह प्यार और इज्जत देने का है जिसकी आप हकदार हैं। इसके बाद आपको प्यार की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसकी जगह आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के कारण अच्छे और सार्थक लोग खुद आपकी जिंदगी में आना चाहेंगे। आज आप सोसाइटी के बंधनों से मुक्त होकर अपने लक को आजमाना चाहते हैं। अपने साथी के आकर्षण से भी आप बच नहीं पाएंगे। लव लाइफ से आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं और आपकी सफलता इसी बात का प्रतीक है। अचानक कई घरेलू मुसीबतों से आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नए संबंध के लिए आज का दिन अच्छा है। आपके ग्रह गोचर बदल रहे हैं और यह बदलाव आपके दिन को रोमांचक बना देगा। बात करते हैं करियर की। रिश्तों में छेड़खानी और हंसी मजाक से रिश्तों का आकर्षण कभी कम नहीं होगा। समूह, क्लब या सोसाइटी का हिस्सा बनना भी आपके करियर को नई दिशा देगा। आज के दिन महत्वपूर्ण निर्णय और करियर परिवर्तन के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अभी आय के नए साधन प्राप्त होंगे। आप किसी बड़े बदलाव को भी महसूस कर सकते हैं। उन लोगों के साथ समय बिताना ना भूले जो आपके लिए धन का स्रोत है। याद रखें, अगर आप मेहनत करते हैं तो जीत खुद आपका पीछा करती है। आज आप अपने वित्त के संबंधों में दुनिया की स्थिति में रहेंगे। आज आप अपने वित्त के संबंध में दुविधा की स्थिति में रहेंगे। विरोधाभासी ग्रहों के प्रभाव की वजह से अलग अलग दिशाओं में आपका अंतर मन भागेगा। आप महंगी खरीदारी के बारे में सोचेंगे, लेकिन आखिरी समय में अंतिम निर्णय लेने में आपको मुश्किल हो सकती है। इस तरह की दुविधा आपके निवेश में भी प्रतिबिंब होगी। यह आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित और असहज करेगी। व्यवसाय में इस समय जमकर मेहनत करने की जरूरत है। साझेदारी संबंधित व्यवसाय में पारदर्शिता रखें। मशीनरी, कारखानों जैसे बिजनेस में फायदेमंद एग्रीमेंट मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी के कामों में ज्यादा फायदे की उम्मीद न करें। भाई से विवाद एवं भाग्य में कमी आएगी। आय में सुधार रहेगा एवं कार्यस्थल पर भी कोई परेशानी आने की संभावना नहीं है। बड़ी योजनाओं के पीछे अभी ना जाएं तो बेहतर रहेगा। निवेश के बारे में विचार ना करें। शाम को नुकसान या चोरी होने की संभावना है। व्यापार उल्लेखनीय नहीं रहेगा। नौकरी में दबाव ज्यादा रहेगा। अनपेक्षित प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। प्रेमी साथी से विवाद होगा एवं वैवाहिक जीवन में ऊंचाइयां आएगी। बात करते हैं सेहत की। आप किसी जटिल समस्या में फंस गए लगते हैं। आज आपकी आध्यात्मिक शांति भंग होने वाली है। आज आपकी कुछ पुरानी दर्दनाक यादें ताजा होने वाली है। अगर आपको कुछ समस्याएं सुलझाने के लिए काउंसलर की मदद भी लेनी पड़े तो अपने सपनों पर ध्यान दें तो शायद आपको अपने कुछ सवालों के जवाब मिल जाएं। आज का उपाय, गरीबों को आज सफेद चीजों का दान करें, जैसे चावल, दही इत्यादि। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।